start to say it. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break right sometimes. न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। और मैं आ चुका हूँ एक नए और ब्लॉग के साथ। और आज फिर देहरादून में बारिश हो रही है, और मैंने कहा था देहरादून के मौसम को कुछ भरोसा ही नहीं है। यहाँ तो मतलब ऐसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि दिसंबर का मौसम होगा, जनवरी का मौसम होगा, सॉरी दिसंबर कह रहा हूँ मैं, जनवरी का मौसम होगा और बस बारिश ही बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जुलाई अगस्त का महीना होगा और बारिश ही बारिश पड़ने पर लगी हुई है। पूरे दिन भर की यही हाल है। और नीचे काम स्टार्ट था, वहाँ भी काम उसकी वजह से रुक गया, तो अभी तो फ़िलहाल यही है हिसाब। मैंने सोचा था बारिश एक दो दिन पड़ेगी, मसूरी चलेंगे बर्फ़ वर्फ़ देखने, आप लोगों को भी दिखाता मैं मसूरी की बर्फ़, पर वही है, यहाँ तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बस मानसून आ गया होगा फिर से देहरादून में, और ठंड बिल्कुल गायब हो गई होगी और मानसून का सीज़न चालू हो गया होगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम नीचे चलते हैं फटाफट से, पहले नाश्ता कर लेता हूँ मैं। और फिर यार बस यही है हमारा तो रोज़, आज देखिए बारिश हो गई, कहीं जाना नहीं है कुछ नहीं, बस देखते हैं आज क्या करेंगे। फ़िलहाल तो नीचे चलते हैं और जो भी होगा देखते हैं, पूरे दिन भर जो भी करेंगे मस्ती करते हैं, चलते हैं। फ़िलहाल तो देख पा रहे होंगे आप, पूरा बारिश लगी हुई है यहाँ देहरादून में, और पूरे दिन भर की बारिश है, रात से लगी हुई है और रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है जो। और वहाँ पूरा मसूरी दिखता था, पूरा धुंध में ऐसे ढक रखा है, पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा, पहाड़ तो सारे गायब ही हो गए। और बस यही है, पूरे दिन भर आज यही चलता रहेगा। और कोई नहीं, अंदर ही बैठ के आज देखते हैं क्या करेंगे, नीचे भी जा नहीं सकते प्लॉट में। बैक टू द व्लॉग, नेक्स्ट डे सेम व्लॉग। कल मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बारिश ही लगी हुई थी पूरे दिन भर, और फिर मैं उसके बाद लेट ही गया, उसके बाद मन ही नहीं करा कंबल से बाहर निकलने का। तो अभी फ़िलहाल आज तो बारिश, मतलब मौसम वैसे ही है, बारिश भी पड़ी हुई है बल्कि, पर अभी फ़िलहाल तो पड़ नहीं रही, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ऊपर जिम का सामान, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, देखो खत्म, ये जिम का सामान रखा हुआ पूरा ऐसे ही भीग रहा। अब हाथ से मैं देख सोच रहा हूँ, अभी मैं इन्हें साफ़ वगैरह करता हूँ जल्दी से पहले, और इन्हें थोड़ा साफ़ वगैरह करके तब शाम के टाइम से हम जिम करना स्टार्ट करते हैं। अभी तो दिन का टाइम हो चुका है खाने का यार। फ़िलहाल तो मैं पढ़ रहा था अभी सुबह से, तो अभी थोड़ी देर में फ्री हुआ तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग्स स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट डे का। तो चलते हैं अभी पहले नीचे थोड़ी देर, यार मेरे को ज़रा नोट्स वगैरह बनाने हैं अपने, तो फ़िलहाल वो नोट्स वगैरह बनाता हूँ मैं और थोड़ी देर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर आता हूँ, इन्हें थोड़ा साफ़ वगैरह करता हूँ अगर मौसम बारिश ना रही फिर से। तो वैसे मैंने टेपिंग कर रखी है उसमें, तो क्योंकि वो जंक वगैरह लग गए थे तो इसलिए मैंने उसमें टेपिंग कर दी थी। तो अभी देखते हैं, इन्हें साफ़ वगैरह करते हैं फिर से दोबारा से, और फिर शाम को करते हैं इससे जिम। और आज से मैं कर दूंगा जिम स्टार्ट, होम वर्कआउट, मतलब जिम तो नहीं पर होम वर्कआउट यहीं घर पे ही करूँगा अपने, क्योंकि सामान मेरे पे लगभग है ही, और इसी से काफ़ी सही जिम हो जाती है, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में लिए थे, लॉकडाउन में मैंने इन्हीं से जिम करा था और काफ़ी ठीक मतलब ग्रोथ हो गई थी इनसे भी। सही है, ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जिम जाके ही बना सकते हो, आप होम वर्कआउट भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको नॉर्मल फिट रहना है तो आप घर में नॉर्मल होम वर्कआउट कर सकते हो, उससे भी आप फिट रह सकते हैं। तो बस ये है कि थोड़ा शरीर मतलब ये हो जाता है, मजबूती सी आ जाती है, बस बढ़िया लगता है थोड़ा। मुझे वर्कआउट का शौक है मुझे और भैया को, पर भैया को भी टाइम नहीं लगता क्योंकि भैया भी पूरे रात का, उसका नाइट शिफ्ट रहती है, वो नाइट शिफ्ट करता है, वरना उसका भी मन रहता है। मैं और वो करते थे लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पर लिए थे मैंने जब, तो हम मैं रेगुलर ही करता था उस टाइम पर। तो अब देखते हैं, अब स्टार्ट करता हूँ मैं जल्दी, तो अभी देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं नीचे जाता हूँ जल्दी से फटाफट, अपने नोट्स वगैरह बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे लोगों से मिलते हैं। बना रहे मैगी, क्योंकि अभी मैंने नोट्स वगैरह सब बना लिए अपने, और अब बना रहा हूँ मैं मैगी। फटाफट से पहले मैं मैगी बनाता हूँ क्योंकि ठंड हो रही है यार, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा तो मैगी बना लो, मैगी खा लो। तो ऐसे भी रात की वो क्या होता है, चिकन के साग और चावल पड़े हुए हैं थोड़े से, और मैगी बनाता हूँ उसके साथ, और मैं बाकी देखते हैं जो जो खाएगा वो खा लेगा, मैं तो मैगी खा रहा हूँ। फटाफट से पहले मैगी बना लेते हैं।
के मैं लेट गया हूँ, दे दी थी मैंने सब मैगी, और फिलहाल सोते हैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैंने बोला था सुबह कि हम छत में जाएंगे वर्कआउट करेंगे, तो वहाँ भी जाना है अभी, और वो भी साफ़ करने हैं अभी, तो अभी उन्हें साफ़ करेंगे थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल सो जाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never चुके हैं सो के। और जैसे कि मैंने कहा था, शाम को चलेंगे छत पे और वहाँ करेंगे हम वर्कआउट। तो यार फिलहाल तो ये आप देख सकते हैं सारे मेटल प्लेट्स जितनी भी हैं, मेटल प्लेट्स नहीं हैं ये तो, खैर रबड़ की हैं प्लेट्स, इनके अंदर वो भरा हुआ है सीमेंट वगैरह टाइप। और अभी ने ज़रा बाहर निकालते हैं, बाकी सारा गीला गीला पड़ा हुआ है सारा सामान जब से मैंने लिए, मतलब करा है मैंने एक मतलब लॉकडाउन में जब एक डेढ़ दो महीने लगा रहा था तो मैंने बहुत कराए, उसके बाद फिर मैंने यही रख दिया है छत में भीगता रहता है। फ़िलहाल इसे फटाफट से करते हैं हम साफ और करते हैं स्टार्ट जिम। तो मैंने साफ कर लिया है सारे जो जिम के इक्विपमेंट्स थे मेरे होम वर्कआउट के, और साफ क्या करे, जंक लगे हुए थे उसमें, जंक तो नहीं हो रहे थे साफ, पर मैंने जो थोड़ा पानी था एक्स्ट्रा ऊपर लगा हुआ वो मैंने साफ कर दिया, अभी थोड़ा रख रखा है मैंने उधर के साइड पे। और मौसम थोड़ा ये है कि अब बारिश थोड़ा सा, मतलब सुबह से तो बारिश हो ही रही है जब से मैं देख रहा हूँ, बारिश हल्की हल्की पड़ी रही थी, पर अभी यह थोड़ा मौसम हल्का हो गया है, मतलब कि थोड़ा दिखने लग गया है। और बाकी मसूरी की साइड तो अभी दिख नहीं रहा है, और मसूरी में भी बर्फ़ पड़ चुकी है फाइनली। मैंने अपने दोस्त से पूछा था तो वहाँ उसने वीडियो भी डाली हुई थी अपने फ़ोन में, तो वो मसूरी ही रहता है, तो अभी बर्फ़ पड़ चुकी है मसूरी में भी, तो देखते हैं जल्दी जैसे ही थोड़ा मौसम खुलेगा तो क्या पता हम जाएँ, और मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊँगा फिर, देखते हैं। अभी कुछ पक्का नहीं है, पर प्लान करेंगे अगर मौसम थोड़ा साफ होता है तो, दोस्तों से पूछ के प्लान करते हैं और चलेंगे हम मसूरी में, पर अब देखने। तो फिलहाल तो अभी वर्कआउट कर लेते हैं हम, सबसे पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद वार्म अप करते हैं, उसके बाद करते हैं अपना वर्कआउट। वार्म अप मैं करूँगा अपने पुशअप्स, जो बेसिक हमारे हैं पुशअप करूँगा सबसे पहले। अब पुलअप्स वगैरह के लिए तो है नहीं यहाँ पे कुछ, तो फिलहाल ऐसे ही हम स्ट्रेचिंग कर लेंगे पुलअप्स के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले करता हूँ मैं पुशअप्स। फिलहाल वार्म अप तो मेरा हो गया, अब करूँगा मैं स्टार्टिंग वर्कआउट अपना बाइसेप, और मेरी सांस है अभी से फूलने लग गई, स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यार। आपको बाइसेप्स में करना ये है कि आप ऊपर बिल्कुल स्लोली ले जाएं ऐसे, नीचे एकदम से ले आएं, बाइसेप का मैंने पहला सेट मार लिया, अब इसका दूसरा और तीसरा सेट मारना है, वो भी 12-12 के मारूंगा मैं, फिर मारेंगे कर्ल रोल बाइसेप में, फिर हम मारेंगे
बेंच प्रेस, बेंच तो मेरे पास है नहीं, उसके लिए मैंने स्टूल ले रखा है जो मेरे पीछे ही रखा हुआ है, और बस अपना ये है क्या बैक को सपोर्ट देने के लिए थोड़ा लेट के हम बेंच प्रेस क्या है डंबल प्रेस मारेंगे लेट के इसमें। तो फिलहाल करते हैं दूसरा जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, मतलब फटाफट नहीं आराम आराम से करते हैं, फटाफट नहीं करना है, फटाफट मैं अपने लिए कह रहा हूँ ताकि कहीं वीडियो फिर लंबी हो जाती है। मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसमें वो बाइसेप्स ही है, इसलिए मैं सबसे पहले बाइसेप्स करता हूँ। अगर मैं कभी जिम स्टार्टिंग में भी जाता हूँ तो स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में मिक्स मारनी पड़ती है, तो सबसे फेवरेट जो है मेरा वो बाइसेप्स। करा जस्ट मैंने वर्कआउट ख़त्म अपना, और बिल्कुल यार बॉडी बिल्कुल, बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ तो बॉडी ऐसा थोड़ा पेन सी कर रही है, पर ये है कि मज़ा आ गया यार बिल्कुल ही। मेरा वर्कआउट से तो मेरा ऐसा है कि यार बिल्कुल वर्कआउट तो मुझे, आप अगर मेरे पास कोई ट्रेनर होता ना, अगर मेरे ऐसे होता मैं पर्सनल, अगर मेरे पास कोई ट्रेनर हो ना मुझे जो बोले कि हाँ यार चल सुबह उठ जल्दी मैं कराऊँगा तेरे को वर्कआउट, तो खड़ा हो उठ मैं कराता हूँ जितना भी है, मैं रेडी हूँ भाई बिल्कुल, क्योंकि वर्कआउट से तो यार मुझे बहुत प्यार है। पर वही है यार, अब ठंडी का टाइम आ जाता तो आलस सा आ जाता, बिस्तर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो तो मैंने सोचा चलो यार बहुत दिन से अपने डंबल्स वगैरह भी बहुत ऊपर पानी में ऐसे ही भीग ही रहे थे वो, और मम्मी और भी रोज़ बोल रहे थे मुझे कि यार तू उन्हें या तो दे दे कहीं, तुम लोग भी मतलब मैं पैसा वेस्ट करते हो। वाकई में यार पैसा बहुत वेस्ट हो जाता है फालतू की इन चीज़ों में, फालतू की चीज़ें क्या है, मेरे को तो खैर वर्कआउट से बहुत लगाव है, पर वही है यार फिर लॉकडाउन के बाद फिर यार वर्कआउट हुआ नहीं उसके बाद। तो यार अभी चलते हैं फटाफट से नीचे, और मैं अपने लिए आमलेट वगैरह जो भी बनाऊँगा पोस्ट वर्कआउट मील अपनी बनाता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं फिर चलते हैं अभी नीचे और बनाते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। वर्कआउट करके नीचे आ चुका हूँ, और मैंने अपने लिए बनाए हैं दो होल एग, और ये है मेरे दो बनाना मेरी पोस्ट वर्कआउट मील। और फिलहाल यार आज तो पूरी बॉडी पंप हो चुकी है, मतलब मेरा ऐसा है कि शरीर में पंप हो जाता है तुरंत। तो अभी फ़िलहाल यार इस ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि मैं थक चुका हूँ, और अब थोड़ी पढ़ाई करूँगा इसके बाद, जो मैंने नोट्स बनाए थे अभी उन्हें रिवाइज़ करूँगा फिर से दोबारा से, और आगे की पढ़ाई करते हैं यार क्योंकि अब मेरे पेपर आने वाले हैं, मतलब अभी तो नहीं आने वाले पर यह है कि अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि फिर पेपर भी है। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, और जो इस चैनल पर नए हैं वो भी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।